ओके तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में क्या पढ़ चुके थे हम लोग, हमने कल तक डिस्कस कर लिया था कि इंटीग्रेशन करते कैसे हैं, है ना, उसका बेसिक्स पढ़ लिया था हमने। और मैंने कुछ आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दे दिए थे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के। अभी एक बाई पार्ट्स बता दें, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की मैं टेक्निक आपको बता देता हूँ, और फिर कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन की, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो आप देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या करोगे आप, कि इसमें जैसे चेन रूल था हमारे पास डिफरेंशिएशन में, कि चेन रूल में क्या होता है, अगर कोई फंक्शन एफ का एफ एक्स है और एक जी एक्स है, इनका मल्टीप्लीकेशन दे रखा है एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो आप क्या करते हो उसको एक बार एक को डिफरेंशिएट करते हो दूसरे को कांस्टेंट मान के, फिर दूसरे को डिफरेंशिएट करते हो पहले को कांस्टेंट मान के। तो चेन रूल काइंड ऑफ थिंग ही है ये इसमें इंटीग्रेशन के लिए। तो अगर जैसे आपके पास कोई फंक्शन है यू ऑफ एक्स और एक है वी ऑफ एक्स, यहाँ पे यू और वी जो है वो एक्स का फंक्शन है, ठीक है, इन टू डी एक्स। तो इस इंटीग्रेशन को ओपन करने का बहुत खूबसूरत तरीका है वो ये है कि आप क्या करो, इसमें से एक को फर्स्ट फंक्शन मानो, एक को सेकंड फंक्शन मानो, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान लिए। अब जिसको फर्स्ट फंक्शन माना है उसको आप ऐसे ही छोड़ दो शुरू में, और जिसको सेकंड फंक्शन माना है उसको इंटीग्रेट कर दो, उसको आप क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। तो यू एक्स वी एक्स डी एक्स ये हो गया माइनस माइनस, फिर आप क्या करो जो फर्स्ट फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर दिया, मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लेंगे कैसे वो बात करेंगे हम लोग, इनटू वापस के इंटीग्रेशन वी एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन वापस किया इनटू डी एक्स इनटू डी एक्स। तो ये है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन उसको लेते हैं हम लोग जिसका डिफरेंशिएशन आसान हो, यानी जिसका डिफरेंशिएशन आसान हो, डिफरेंशिएशन आसान हो, और सेकंड फंक्शन उसको लेते हैं जिसका इंटीग्रेशन आसान हो, जिसका इंटीग्रेशन आसान हो उसको सेकंड फंक्शन लेंगे। इसको चूज करने के लिए भी एक छोटा सा रूल है जो आप याद रख सकते हो, दैट इज आईलेट, आई एल ए टी ई, एक छोटा सा रूल है इसको याद रखने के लिए। आई का मतलब है ये सीक्वेंस फॉलो करो, फर्स्ट जो फंक्शन है ना उसको लेने के लिए ये सीक्वेंस फॉलो करते हैं। आई मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, आप लिखते जाओ साथ में, आई मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, एल मतलब लॉगरिथम फंक्शन, ए मतलब एलजेब्रिक फंक्शन, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो आई में जैसे साइन इनवर्स कॉस इनवर्स हो गया, लॉग में लॉग एक्स स्क्वायर, एलजेब्रिक तो आप जानते हो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ट्रिगोनोमेट्रिक जानते हो साइन कॉस टेन कॉस एक्स एक्स कॉट और एक्सपोनेंशियल। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट फंक्शन चूज करते हैं इनवर्स को, फिर इसी सीक्वेंस में लॉग को, फिर अलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्री, लास्ट में एक्सपोनेंशियल को, ठीक है। तो अगर आप ये सीक्वेंस फॉलो करके चूज करते हो तो आप कभी भी बाई पार्ट्स में गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट को ऐसे छोड़ दिया, सेकेंड का इंटीग्रेशन कर दिया, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया, सेकेंड को इंटीग्रेट किया, फिर इस पूरे का मतलब अगर पूरे वेक्टर ऐसे लगा दो तो इस पूरे को आपको इंटीग्रेट दोबारा से करना है विद रिस्पेक्ट टू डीएक्स, ठीक है। अच्छा, इसमें कई बच्चे थोड़ी गलती भी करते हैं कि जैसे कई बार कहते हैं लिमिट दे रखी होती है ए से बी, यू एक्स इंटू वी एक्स डी एक्स, अगर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन लगाना हो आपको तो मैं चाहूंगा कि आप ये गलती ना करो कि यू एक्स को पहले आपने ऐसे छोड़ दिया और फिर करते हैं इंटीग्रेशन वी एक्स का, ठीक है। जो ये इंटीग्रेशन करके मानो वी एक्स का आपने इंटीग्रेशन किया, जो आपने इंटीग्रेशन किया वी एक्स का, तो मानो कुछ आ गया आपके पास एस फाइव एक्स आ गया आपके पास इंटीग्रेशन करने के बाद। तो अब आपको इन दोनों को इंटू करके लिमिट लगानी है इस पे, ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं कि सिर्फ आप फाइव एक्स में, इस पे आप दोनों पे लगाओगे लिमिट माइनस। यहां भी मानो आपने अगर ये सब किया तो यहां तो दिख ही रहा है कि पूरे पे लिमिट आएगी, इस मानो आपको फाइव एक्स के साई एक्स आ गया, साई एक्स, अब लिमिट ही पूरे पे लगेगी ए से।
ठीक है, तो ये वाले में बच्चे कई बार यूएक्स को लेना भूल जाते हैं, तो ये आप गलती नहीं करना, है ना। अभी क्वेश्चंस करेंगे हम इसके तो और क्लियर हो जाएगा ये। चलो तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हो गया। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो ये देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या है, इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज मैं आपको बताऊंगा जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगी, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन जिनकी वन से जैसे ए से बी में जो लिमिट दे रखी है उसमें आपको इंटीग्रेशन करना है, जो फाइनाइट एरिया आएगा उसको निकालने में ये काफी यूजफुल प्रॉपर्टीज हैं। तो ये 9 या 10 प्रॉपर्टीज हैं, इनको अगर ध्यान रखोगे तो आपका गेट का क्वेश्चन बहुत मुश्किल होगा कि वो क्वेश्चन आपसे बने ना, प्रोवाइडेड आप ये 10 को याद रखते हो। तो पहला है आपके पास, फर्स्ट है कि इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल, ये आता है आपको, अगर आपने इसको उल्टा कर दिया बी से ए कर दिया तो आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, माइनस साइन लगाना पड़ेगा आपको एफ एक्स डी एक्स। ये कैसे हुआ देखो, जैसे अपने पास क्या था, जो इंटीग्रेशन है क्या एफ एक्स डी एक्स, जैसे मानो एक कर्व है एफ एक्स और ए से बी में आपको इंटीग्रेट करना है इसको, ठीक है, ए से बी में अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है तो आप क्या लेते हो, ये एरिया आता है आपको, तो ये जो एरिया आएगा दिस इज नथिंग बट योर आई, ठीक। तो अगर मैं इसको ए से बी में करा, ए से बी में गया तो ये आई आया, अब मैंने अगर इसको बी से ए में गया तो ये रिवर्स हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, एरिया तो सेम ही रहेगा और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाएगा। तो ये इसका प्रूफ हो गया, ठीक है, ये वाई, ये एफ एक्स और ये एक्स, तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई आपकी। सिमिलरली सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी, इसको बोलते हैं चेंज इन वेरिएबल, कि अगर जैसे आपके पास ए से बी में एफ एक्स डी एक्स है तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए टू बी एफ टी डी टी, एफ टी डी टी। तो अगर आपने कोई वेरिएबल चेंज कर दिया तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्या है, ये एफ टी और डी टी के अंडर का एरिया है और टी भी ए से बी तक ही जा रहा है, एक्स भी ए से बी तक ही जा रहा है, तो एरिया उतना का उतना ही आएगा, कोई फर्क नहीं आएगा, चाहे आप यहाँ एक्स वेरिएबल लो, चाहे यहाँ टी लो, चाहे यू लो, चाहे वी लो, चाहे ए लो, पर अगर आप फंक्शन को चेंज नहीं कर रहे हो, जैसे एफ एक्स है तो एफ टी बना, कॉस एक्स था तो कॉस टी था, साइन एक्स तो साइन टी, लॉग एक्स तो लॉग टी, एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू साइन एक्स तो एक्सपोनेंशियल टी इंटू साइन टी। अगर नेचर ऑफ फंक्शन चेंज नहीं करते हो आप तो लिमिट में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। जैसे अगर मानो अगर पर आपने यहां गलती ये कर दी कि अगर ये साइन एक्स स्क्वायर था और आपने यहां पे साइन टी कर दिया तो ये दोनों एक बार नहीं है, ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, क्योंकि नेचर चेंज हो गया, तो साइन एक्स स्क्वायर इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम साइन टी, ये पूरा अलग बात हो गया, ठीक है। तो यहां चेंज हो जाएगी आपकी लिमिट इधर, पर अगर मैं साइन एक्स स्क्वायर को साइन टी स्क्वायर ही लिखता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उतना ही एरिया आएगा जितना कि पहले आया था, क्योंकि लिमिट सेम आएंगी, ठीक। ये हो गया, ये दो प्रॉपर्टीज हो गई, आगे लिखते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी देखो, एक कि एक है तीसरी प्रॉपर्टी तो ब्रह्मास्त्र है, ये मैं हर क्लास में बोलता हूं कि ये एक ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि इससे आपको अगर कहीं क्वेश्चन में कोई हिंट नहीं लग रहा हो तो आप ये वाला प्रॉपर्टी एक बार जरूर ट्राई करके देखना, तो आपको समझ में आएगा कि हो सकता है यार कहीं इससे वो क्वेश्चन ऐसा ना बदल जाए जिसको हमको आता हो, ठीक है। तो देखो क्या है प्रॉपर्टी, कि a से b f(x) dx is as good as x को रिप्लेस कर दिया आपने a plus b minus x dx, तो दोनों एक ही बात है। ये कैसे प्रूव कर सकते हो आप इस अंदर वाले को t ले लो, अगर आपने इसको t मान लिया तो ये a plus b minus x हो गया, तो dt क्या हो जाएगा आपको minus dx, और लिमिट आपकी चेंज हो जाएगी क्योंकि नेचर ऑफ फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो टी एक्स जब ए है तो टी बी है, एक्स जब बी है तो टी ए है, ठीक है, तो ये बी से ए हो जाएगी। तो ये कैसे बदलेगा देखो, अगर आप थोड़ा सा समझ दो, समझ में आ ही जाएगा, बहुत सिंपल है। तो एफ ऑफ टी और डी एक्स इज माइनस डी टी, तो मैंने माइनस बाहर ले लिया और ये हो जाएगा बी से ए, ठीक है। तो जब माइनस बाहर तो पहली वाली प्रॉपर्टी से इसको रिवर्स कर दो तो वापिस आपको क्या आ जाएगा, ये एफ ऑफ टी डी टी ए से बी, और टी रखो कि एक्स रखो, बात एक ही है, ये भी आपको मैंने चेंज इन वेरिएबल वाली प्रॉपर्टी बता दी,
ठीक है, पर ये प्रॉपर्टी आपको जरूर ध्यान रखनी है कि a से b fx dx is, x को रिप्लेस कर देना a plus b minus x है तो कोई फर्क नहीं आएगा। तो जितना एरिया इसके अंदर है उतना ही एरिया इसके अंदर है, उतना ही एरिया इसके अंदर भी है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। नीचे देखो, ये है, अगर आपके पास कोई डोमेन सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक डोमेन है इसमें, तो सिमेट्रिक डोमेन में क्या होगा आपको कि अगर f of x is equal to f of minus x है, even function आपको दे रखा है, f of x is equal to f of minus x, even function है, तो ये area double of 0 to a आता है, और अगर odd function है, तो ये area 0 आता है। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा even और odd function बता देता हूँ। even function क्या होता है? मानो कोई function f x है मेरे पास, और आपको check करना है कि ये even है या odd है, तो आप क्या करो सबसे पहले कि x को minus x से replace करो। तो आपने क्या किया? First step किया? f of minus x निकाला। अगर ये fx के बराबर आ गया, हर जगह पूरी डोमेन में हर जगह अगर f of x और f of minus x बराबर है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इवन फंक्शन। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इवन फंक्शन। इवन फंक्शन की खास बात क्या होती है, जैसे अगर मैं x square का ग्राफ बनाऊं, तो x square सबके ग्राफ में आपको बता चुका हूं, ये ग्राफ था x square का। तो अगर fx को चेक करो क्या ये इवन है ऑड है, तो आपने चेक किया ये fx equal to x square लिया आपने, और अब आपने रिप्लेस किया x को minus x से, तो जब ये minus x रखा तो ये वापस x square आ गया, तो मतलब fx और f of minus x बराबर आ गए, तो ये even function है। even function की खास बात देखो, ये जो है ये symmetric होता है y axis के about, y axis के about, क्यों? जैसे अगर मैंने यहाँ 2 रखा, तो value क्या आती है यहाँ पे? 4। वैसे आप अगर minus 2 भी रखते तो भी वैल्यू क्या आएगी आपको? 4, क्योंकि f of x is equal to f of minus x। तो जैसे जैसे आप यहां कुछ भी रखो, 3 रखो वही minus 3 पे आएगी, 4 पे रखो वही minus 4 पे आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये y axis के अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ आता है। तो इवन फंक्शन का ग्राफ जो आता है ना, वो y axis के अबाउट सिमेट्रिक आता है। अब आप देखो कि अगर आपसे मैं पूछूं कि इसी फंक्शन का पूछूं minus 2 से 2 में, ये minus a से a है, सिमेट्रिक इंटरवल है, तो मैंने यहां ले लिया minus 2 से 2, तो माइनस टू से टू में मैं बोलूं आपको x square का इंटीग्रेशन करो, तो x square एक इवन फंक्शन है, तो यहां तो आप माइनस टू से टू में कर लो। अब क्योंकि सिमेट्रिक है, तो आपने क्या किया, इतने एरिया का इंटीग्रेशन कर दिया और उसका डबल कर दिया, तो ये एरिया अपने आप आ जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक है इसलिए मैं कर पाया ना, तो क्योंकि बिकॉज ये सिमेट्रिक फंक्शन है तो आप कर पाए। ऐसे ही cos x है, cos x भी सिमेट्रिक होता है, तो cos x अगर आप देखते, तो cos x अगर आप कैसे आता है, ये मैं छोटा सा ही बना रहा हूं, पाई बाय 2 से माइनस पाई बाय 2 बना है, तो ये भी देखो सिमेट्रिक ग्राफ है, क्योंकि cos ऑफ माइनस x इज इक्वल टू cos x होता है, ये आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा बचपन में 11 12 में। तो ये वाला ग्राफ भी देखो सिमेट्रिक है, तो चाहे कोई बोले माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में cos x का इंटीग्रेशन करो, या आप क्या करो 0 से पाई बाय 2 में करके उसको डबल कर दो, तो एक ही बात है ना। तो ये कब डबल हो जाएगा? जब इवन फंक्शन हो। शायद आपको समझ में आया होगा ये, है ना? नहीं समझ में आया तो दोबारा इसको रिवाइंड करके सुनो मेरी बात, एक एक वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनना, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे अगर मैं ऑड फंक्शन बोलूं, कि मैं बात करूं ऑड फंक्शन, तो ये पहले आपने लिख लिया होगा, सबसे पहले तो आप लिखा करो उसके बाद मेरी बात सुनो। ये ऑड फंक्शन, तो ऑड में देखो क्या आ रहा है कि अगर आपने x को माइनस x से रिप्लेस किया और वो किसके बराबर आ गया? माइनस ऑफ fx के बराबर आ गया। तो ये होते हैं आपके ऑड फंक्शन, जैसे कि मानो x क्यूब है, fx इक्वल टू x क्यूब है, अगर इसमें आपने माइनस x से रिप्लेस किया तो ये क्या आ जाएगा? माइनस x क्यूब। साइन x है, तो साइन में माइनस डालो तो बाहर आ जाएगा, माइनस साइन x आ जाएगा। तो ये सब क्या होता है? ऑड फंक्शन। अब ग्राफिकली अगर मैं बात करूं तो ऑड फंक्शन की खासियत क्या होती है, ये x क्यूब का ग्राफ मैं आपको बता चुका हूं, तो ग्राफ कैसा आएगा, ये कुछ ऐसे जाके आएगा, ये x क्यूब का ग्राफ है। तो अगर आप इसका ग्राफ देखोगे sin x क्यूब का, सॉरी x क्यूब का ग्राफ ये रहा, तो ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है? ओरिजिन के अबाउट। ये ना x के अबाउट सिमेट्रिक है ना y के अबाउट। यहां आप कहते हैं इसको कि दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, या इसको ऐसे पढ़ते हैं, अबाउट x एंड y एक्सिस, x and y axis दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है। वो कैसे? देखो कि आपने ये वाला ग्राफ बन रखा है, तो पहले आप क्या करो, जो एक एक साइड वाला जो पार्ट है
उसको आपने y के अबाउट रिफ्लेक्ट करा दिया, तो ये आ गया। अब इसको आप x के अबाउट भी रिप्लेस कराओगे तो ये आ जाएगा। तो ये जो ग्राफ है इट सिमेट्रिक अबाउट x एंड y बोथ। पहले इतना पोर्शन जो था इसको y के अबाउट रिफ्लेक्ट कराया तो ये डॉट वाली लाइन आई, फिर उसको वापस से x के अबाउट कराया तो पूरा ग्राफ आया। तो जो ये ग्राफ है इट सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन या अबाउट x एंड y एक्सिस। तो अब देखो अगर आपको ये ग्राफ समझ में आया तो मैं अब आपसे पूछता कि माइनस, अगर जैसे आपने यहां रखा माइनस टू, यहां टू रखा तो ये आएगा एट, और मैं यहां माइनस टू रखू तो ये माइनस एट आ जाएगा। अब मैं आपसे अगर पूछू इसमें माइनस टू से टू में एफ एक्स डी एक्स बताओ, जब एफ एक्स जो है वो एक्स क्यूब है, तो आप क्या करेंगे? आपने देखा कि ये जो एरिया है ये एरिया और ये एरिया बराबर है, पर दिक्कत क्या हो गई कि ये एरिया पॉजिटिव है और ये एरिया नेगेटिव है। अब क्योंकि ये दोनों का वैल्यू बराबर है पर ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो उससे ऐड होके क्या आ गया? जीरो आ गया। तो कभी भी आपको अगर एफ एक्स का कोई भी स्टेटमेंट लिखा हुआ हो और यहां आपको ऑड फंक्शन मिल जाए, क्या मिल जाए? ऑड फंक्शन अगर आपको मिल जाए तो आप आंख बंद करके आंसर दो जीरो, पर प्रोवाइडेड जो ये डोमेन है ये क्या होनी चाहिए? सिमेट्रिक होनी चाहिए। डोमेन कैसी होनी चाहिए? सिमेट्रिक भी होगी तो ही तो प्लस वाला एरिया और माइनस वाला एरिया बराबर होके कैंसिल आउट हो जाएंगे, नहीं तो कैसे कैंसिल होंगे? ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। तो ये वाली प्रॉपर्टी देखो, एक ये है अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स जीरो से एन इंटू टी इज इक्वल टू एन इंटू एफ ऑफ एक्स जीरो से टी डी एक्स। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो मेरे शब्द सुन लो, ये n है, ये कैपिटल T टी है और वो n इंटू जीरो से टी एफ एक्स डी एक्स है। एफ एक्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड T। तो अगर आपके पास कोई पीरियोडिक फंक्शन है जिसका टाइम पीरियड जो है वो T है या फंडामेंटल टाइम पीरियड T है, तो अगर जीरो से n टाइम्स T देके रखा है तो आप n टाइम्स जीरो से टी एफ एक्स डी एक्स कर सकते हो। ये देखो कैसे किया मैंने कि अगर जैसे मान लो मेरे पास साइन एक्स है, साइन एक्स तो मुझे पता है पीरियोडिक फंक्शन है, तो अगर साइन एक्स का पीरियड क्या होता है? टू पाई। साइन एक्स का पीरियड क्या है? टू पाई। अगर आपको सिर्फ टू पाई तक का भी एरिया आपने निकाल लिया, इतना आपने इंटीग्रेट कर दिया, इसका एरिया निकाल दिया, और आपसे पूछे कि फोर माना आपको यहां तक दे दे, कि ये हो गया टू, ये हो गया जीरो पाई टू पाई थ्री फोर फाइव और ये सिक्स, ये आपको सिक्स पाई तक के दे दिया आपको, और आपसे ये सारे एरिया पूछा है जीरो से सिक्स पाई में साइन एक्स को इंटीग्रेट करो। तो देखो ये जो पीरियड का मतलब क्या होता है कि उसके बाद एक टाइम पीरियड के बाद जो कर्व का नेचर है वो रिपीट होने लग जाए। तो जो साइन एक्स का ग्राफ जीरो से टू पाई में ही है वही इनफाइनाइट तक चलता है, पीछे भी और आगे भी, मतलब आपको प्लस इंफिनिटी तक भी इतना ही जाएगा, माइनस इंफिनिटी तक भी ऐसा ही जाएगा। तो आपने क्या किया, क्योंकि सिमेट्री का यूज कर लिया आपने कि ये रिपीटेटिव नेचर का ग्राफ है, तो आपने जीरो से टू पाई तक इसको इंटीग्रेट किया, और अगर जैसे फोर पाई पूछता तो उसका डबल कर देना, क्योंकि फोर पाई डबल ऑफ टू पाई, सिक्स पाई पूछता तो ट्रिपल ऑफ टू पाई। तो वही इसने किया कि अगर एन टाइम्स दे रखा है टाइम पीरियड का तो एन टाइम्स दे दिया और जीरो से टू में उसको एरिया निकाल लिया, तो ये प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, ऐसे ये देखो ये वाली मैं प्रॉपर्टी आपको लाप्लास में प्रूव कराऊंगा जब लाप्लास इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, पर अभी नहीं, अभी तो कुछ क्वेश्चंस में यूज होगी तो याद रखेंगे हम लोग, अभी से याद रख लेंगे तो अच्छी बात है। साइन एम टी बाई टी डी टी फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी, इसका जो इंटीग्रेशन का वैल्यू आता है वो आता है पाई बाई टू, कब? जब जो अंदर ये एम लिखा है वो पॉजिटिव हो, और माइनस पाई बाई टू आता है जब ये एम लिखा है वो नेगेटिव हो। पाई बाई टू कब आएगा? जब एम पॉजिटिव हो, और माइनस पाई बाई टू कब आएगा? जब एम एम नेगेटिव हो। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे पाई बाई टू और माइनस पाई बाई टू कब आता है। ओके, अब लास्ट दो और प्रॉपर्टी है वो भी लिखेंगे। तो ये दो फॉर्मूले हैं आपके आगे, ये भी आप ध्यान रखोगे। वैसे ऐसे ही जो साइन टू द पावर एन एक्स है और कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स है, तो इसमें और लगा है, यहाँ तो ऐसे लिखा हुआ जीरो से पाई बाई टू साइन टू द पावर एन एक्स लिखा हुआ डी एक्स, या लिखा हुआ जीरो से पाई बाई टू कॉस एन एक्स डी एक्स। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, अगर प्रोवाइडेड लिमिट याद रखना जीरो से पाई बाई टू ही होनी चाहिए, है ना? ऐसे टेन एन एक्स के भी हैं, कॉट एन एक्स के भी बहुत सारे, पर अभी तक गेट में ऐसा आया नहीं है, तो जो आया है क्वेश्चन उसी के हिसाब से मैंने आपको याद करने के लिए बोल दिया है। तो
ये क्या है, याद रखोगे आप कि साइन टू द पावर एन एक्स और कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, एन एन माइनस वन, एन माइनस टू, एन माइनस थ्री से लेके टू वन, वन तक आपको जाना है। जैसे 10 है तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगर 15 होता तो 15, 14, 13, 12, 11, 10, 2, 1, है ना, 15, 14, 13, 12, and so on, 12, 1, into k, k क्या है, k पाई बाई टू होगा जब n जो पावर लगी, जैसे साइन स्क्वायर एक्स हो तो पाई बाई टू लगाना है, n की पावर इवन है मतलब जो n का वैल्यू इवन है तो पाई बाई टू, एन का वैल्यू अगर ऑड जैसे साइन एक्स है, साइन क्यूब है, साइन की पावर 7x है तो एन, तो क्या लगाओगे आप, के इज वन। सिमिलरली ये भी ध्यान रखोगे आप, क्योंकि प्रोडक्ट में आ जाएगा वो साइन की पावर एन एक्स कॉस की पावर एन एक्स, तो ये आता है आपको एन माइनस वन, एन माइनस थ्री, मतलब एन में से आप ऑड नंबर हटा दो, इंटू एम में से भी आप ऑड नंबर निकाल दो और एम प्लस एन को ऐड करके इनमें से इवन नंबर निकाल दो। जैसे क्या हुआ, यहाँ पे साइन क्यूब एक्स होता तो थ्री में से एक निकालते टू, और थ्री में से थ्री निकाल सकते तो जीरो हो जाता तो टू। अगर यहाँ कॉस 4x होता तो 4 माइनस वन, 4 माइनस थ्री एंड सो ऑन, सब में से इवन निकाल दिए और नीचे सम करके उसमें से इवन नंबर निकाल दिया, ऊपर में ऑड निकालना है नीचे में इवन, इनटू के, के का वैल्यू देखो क्या आता है, अगर आपने ये नोट कर लिया होगा, कोई जगह नहीं बचा तो मैं के नहीं लिख पाया, तो के का वैल्यू आता है इसके लिए वही पाई बाई टू आएगा या वन आएगा, पाई बाई टू आएगा ये जब एम एंड एन, एम भी और एन भी दोनों इवन हो, आर इवन, अगर दोनों इवन है तो इसका वैल्यू आएगा पाई बाई टू, और वन कब आएगा जब एम एंड एन, सॉरी अदरवाइज चाहे कुछ भी हो, फिर एम एंड एन अगर इवन है तो ये पाई बाई टू है, बाकी जगह जो भी आ जाए अदरवाइज, कोई भी केस हो, एम ऑड या एन इवन, एन ऑड या एन इवन या दोनों ऑड, कोई भी केस हो तो वन आएगा, सिर्फ एक ही केस में पाई बाई टू आएगा जब एम और एन दोनों इवन हो। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूले लिख लो, इन आठों के हेल्प से हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे जो गेट में आया है।